देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा मामला, एसओजी ने कुल 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है कोर्ट ने। बाकी शेष सभी 9 आरोपियों को 2-2 दिन की रिमांड पर भेजा है। पूर्व सदस्य रामूराम रायका सहित 9 आरोपियों को 2-2 दिन की रिमांड पर भेजा है। और यहाँ पर देखिए, लगातार पेपर लीक से जुड़े मामलों की गुत्थी सुलझती जा रही है और एक के बाद एक पुलिस हर आरोपी को कोर्ट में पेश कर रही है। यहाँ पर देखिए, बाबूलाल कटारा को 3 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेजा और बाकी अन्य जो आरोपी है उन्हें 2-2 दिन की रिमांड पर भेजा। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सचिवालय मंत्रालयिक भवन में प्रेस वार्ता की। मंत्री गोदारा ने खाद्य सुरक्षा के लाभ के लिए होने वाली ई केवाईसी को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी का समय दिया जाएगा। 31 अक्टूबर तक अगर किसी ने भी ई केवाईसी नहीं कराई तो उन्हें राशन का लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 2013 के अधिनियम 9 के तहत राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट की अपनी सीलिंग 4,46,00,000 की है। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया जिसमें सबकी ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। उसी ई केवाईसी की तारीख, अंतिम तारीख 15 अगस्त थी। हमने उसमें शिथिलता देते हुए अभी वर्तमान में भी जारी है, सितंबर में भी सबसे आग्रह है कि जिन्होंने ई केवाईसी नहीं कराया वो कराएं और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक तभी उससे लाभ मिलेगा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, जब उन्होंने ई केवाईसी कराई होगी। और 31 अक्टूबर तक यदि ई केवाईसी नहीं होगी तो वो व्यक्ति उस योजना, खाद्य सुरक्षा योजना से स्वतः ही बाहर हो जाएगा। 1 नवंबर से उसको वापस जुड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, पूरी शुरू से प्रक्रिया अपनानी। और अभी आज की तारीख में ई केवाईसी के तहत जो हमारे 4,46,00,000 की सीलिंग है उसमें 3,60,52,000 लोगों ने ई केवाईसी करा चुके हैं। देखिए, डीग में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने के मामले में अंबेडकर सर्किल पर क्षेत्र के लोगों और दलित समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। क्षेत्रवासी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हैं। लोगों की मांग है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और जयपुर के विधायका थाना इलाके में पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस की टीम ने 29 कार्टून शराब और परिवहन में इस्तेमाल लग्जरी कार जब्त की है। आरोपी जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में डिमांड के हिसाब से सप्लाई, अवैध शराब सप्लाई करता था और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। और बांसवाड़ा से खबर है, 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कालीजनरा खूटा पेट्रोल पंप के पास ये हादसा बताया जा रहा है। देखिए, आमने सामने ये जोरदार भिड़ंत हुई, 2 बाइकों की, 2 की मौके पर मौत और 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। 2 बाइकों की भिड़ंत का ये मामला सामने आया। ये घटना काफी ज्यादा खतरनाक और कालीजनरा खूटा पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ, ये दर्दनाक हादसा जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, धौलपुर में अपर जिला सेशन और सत्र न्यायाधीश में हत्या मामले में 3 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और आजीवन कारावास के साथ 3 को 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड ना देने की एवज में दोषियों को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक के शर्मा ने बताया कि 3 साल पूर्व 12 मई 2021 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नगोरा गांव में बिजली के तार डालने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। न्यायालय ने मामले में 3 आरोपी इंद्रपाल, परम सिंह और प्रमोद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। टीमका थाना नगर परिषद में मंगलवार को मास्टर प्लान 2041 को लेकर स्टेट होल्डर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक सुरेश मोदी, तहसीलदार महेश कुमार ओला, उपसभापति महेश मेघोतिया समेत कई अधिकारी और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान मास्टर प्लान को लेकर सुझाव दिए गए और मास्टर प्लान 2041 को लेकर दोबारा मौका स्थिति का सर्वे करवाने की मांग की गई। विधायक सुरेश मोदी ने कहा कि पहले जो मास्टर प्लान बना था जिसमें कई कमियां थी, अब ये प्रयास किया जा रहा है कि विसंगतियां थी आगे वाले मास्टर प्लान में कम से कम रहे। सर,
प्लानिंग विभाग के अधिकारी, स्टेक होल्डर्स की मीटिंग, नया जो मास्टर प्लान 2047 तक का मंडी जा रहा है उसके समर्थन में करने आए हुए हैं। आम जनता ने और जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है। पहले जो मास्टर प्लान नीम का दाना का बना था वो बगैर नगरपालिका की सहमति के, बगैर उनको साथ में रखे हुए बना था, तो उसमें बहुत सारी गलतियां उस मास्टर प्लान में रही थी। उसकी वजह से नीम का थाना की जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोगों के पट्टे आदि नहीं बन पाए। और कई चौकी उनियारा से खबर है, नगर फोर्ट पुलिस थाना की बड़ी कार्रवाई, 4 महीने से फरार बलात्कार के आरोपी महामंडलेश्वर बाबा लगा पुलिस के हाथ, गिरफ्तार आरोपी पर बलात्कार सहित अन्य मामले हैं दर्ज। नगर फोर्ट पुलिस द्वारा इस मामले में जारी है अनुसंधान। और अब खबर बारा जिले से है, जहां पर अंता में नगर पालिका चेयरमैन के उपचुनाव को लेकर नाम निर्देशित दाखिल करने के अंतिम दिन 4 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र दाखिल किए गए। रिटर्निंग अधिकारी संजना जोशी ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव को लेकर बीजेपी से रामेश्वर और नंद किशोर ने नाम दाखिल किए हैं और वहीं कांग्रेस से चंद्र प्रकाश और संतोष कुमार ने नामांकन किया है। नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव 17 सितंबर को होना है। आपको बता दें कि यहाँ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मुस्तफा खान सहित एक कांग्रेस पार्षद को संतान की जन्मतिथि के मामले में निलंबित किए जाने और एक महिला पार्षद की मौत हो जाने को लेकर उपचुनाव कराए गए थे। और अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में विवाहिता ने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया। पिता ने बताया कि 7 अगस्त को आरोपी ससुर उसकी बेटी को पीहर छोड़ने आ रहा था, इसी दौरान कार में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया और अब मामला सामने आने पर मुकदमा दर्ज कराया है। ये था, मैंने अपनी लड़की की शादी करी थी, खूब अच्छी करी थी और दहेज अच्छा दिया था, लेकिन उसके बाद में शुरू से ही उसका ससुर की गलत नीयत थी और उसको एक दिन मतलब यहाँ आ रहा था गांव छोड़ने, अब मैं चलो मैं तुमको गांव छोड़ जाता हूँ। उसकी गलत नीति से यहाँ रास्ता में उसने गलत काम किया और गलत काम करने के बाद में फिर उसने लड़की ने कहीं से फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में फिर लड़का को पता चला, वो भाग के गया, उसको बारिश में भीजता हुआ और बारिश पड़ रही थी, तो उसके बाद में घर बताया उसने जाके, फिर हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर बकानी रटलाई रोड पर करल गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। देखिए ब्यावर से खबर है, 25 साल बाद छलका गिरी नंदा बांध, खुशी से झूम उठे स्थानीय निवासी। बांध की चादर चलने पर देखने उमड़े लोग, रपट की दीवार में रिसाव के चलते हादसे की आशंका। पुलिस प्रशासन ने बांध के आसपास के घरों को करवाया खाली, बांधों को बांध के पास मुस्तैद किए पुलिस के जवान। रायपुर क्षेत्र के गिरी गांव से सटा है गिरी नंदा बांध। और ब्यावर में बारिश बनी परेशानी, पानी के तेज बहाव में बह गई सड़क, 2 हिस्सों में बटा मुख्य संपर्क मार्ग, तेज बहाव से पानी की निकासी जारी। देखिए यहां पर ब्यावर में बारिश बनी परेशानी और पानी की तेज बहाव में सड़क भी बह गई और पानी का ये तेज बहाव बहुत ही ज्यादा तेज गति से बह रहा है, 2 हिस्सों में ये बांध बटी, तेज बहाव में पानी की निकासी जारी। अजमेर के पीसांगन से खबर है, भैरूजी बांध की पाल पर मंडरा रहा खतरा, चादर के पूर्वी छोर की पाल में बढ़ रहा कटाव, कटाव से तेज बहाव से निकल रहा पानी, पानी की निकासी के साथ कटाव का हो रहा फैलाव, बांध के कैचमेंट एरिया में पानी कम होने की आशंका, कटाव बढ़ने पर सागरमती नदी में बढ़ सकता है उफान।
तो देखिए यहाँ पर चादर के पूर्वी छोर की पाल में बढ़ रहा कटाव, पानी की निकासी के साथ कटाव का हो रहा फैलाव, बांध के कैचमेंट एरिया में पानी कम होने की आशंका बताई जा रही है। और पाली के सुमेरपुर स्थित जवाई बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है, बेड़ा नदी उफान पर चल रही है जिससे जवाई का गेज तेजी से बढ़ रहा है। और मंगलवार को दिन भर से जवाई बांध में करीब 4 फीट पानी आया और बांध का गेज जो था वो 47 फीट के करीब पहुंच गया। आपको बता दें कि बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है, अब जवाई बांध सिर्फ 14 फीट ही खाली है।